तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें कि एक लड़की अपनी एक लेस्बियन फ्रेंड के साथ ही रिलेशनशिप में आती है और अपने हस्बैंड को धोखे से मरवा दे जिससे कि वो उसकी प्रॉपर्टी को अपने हाथ कर सके और अपनी लेस्बियन फ्रेंड के साथ इंटीमेट हो सके, उसके साथ घूम सके। तो ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी स्टार्ट होते हैं और हम लोग डक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी समर वैकेशंस मनाने के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ। हम लोग देखते हैं कि डक की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, तभी यहाँ पे एक औरत आती है जिसका नाम लीना होता है, जो जिसका एक हस्बैंड भी था। हम लोग देखते हैं भाई साहब एकदम रापचिक औरत थी, बहुत ही ज़्यादा मस्त थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि जो डक था वो हमेशा उसे ही देखता रहता था छुप छुप के भी। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो डक है वो यहाँ पर लीना के घर पर जाता है कुछ सामान लेने के लिए। तब हमें यहाँ पे पता पड़ता है कि जो डक है उसका इंटरेस्ट यहाँ पर बोट्स में भी है और यहाँ पर लियोट को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो कि उसके बोट को देख सके अगर उसमें कोई खराबी आए। तो हम देखते हैं कि लियोट यहाँ पे डक को हायर कर लेता है अपनी बोट के रहन सहन उसमें काम करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि एक दिन ये लोग बोट पे आते हैं, हैंग आउट कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। अब अगले दिन हम लोगों को एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डक बाहर घूम रहा होता है और वहाँ पर बारिश भी होने लगी थी। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो लीना थी वो भी बाहर खड़ी थी बारिश में और वो बताती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो चला गया है, घर की चाबी भी उसके पास है और अब मैं घर के बाहर ही लॉक हो गई हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डक है वो यहाँ पर लीना की हेल्प करता है उसमें घर में घुसने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लीना के घर की एक विंडो को तोड़ देता है जिससे कि जो लीना है वो अपने घर के अंदर घुस सके। अब हम लोग देखते हैं कि बाहर जो है बारिश बहुत ज़्यादा तेज आ जाती है, तो लीना यहाँ पर डक को अपने पास अंदर बुला लेती है अपने घर में और ये लोग वहाँ पर एक बियर भी पीते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि भाई इन दोनों का बियर पीते ही ऐसा मूड बन जाता है कि ये लोग वहाँ पर गपा गप करने लगते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था और लियोट को भी अभी तक इन दोनों के अफेयर के बारे में नहीं पता था। ये लोग यहाँ पर डेली घपा घप भी किया करते थे। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डक को एक कॉल आती है लीना की, जिससे कि वो ये कहती है कि यहाँ पर जो लियोट है उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा है, उसने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करी और मैं चाहती हूँ कि उसके खिलाफ केस करूँ। तो यहाँ पर जो डक होता है वो उसे समझाता है और बहला फुसला के घर ले जाता है। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लीना का कॉल डक पे आता है, उसे बुलाती है अपने घर पर और वो उसे दिखाती है कि जो लियोट है उसकी डेड बॉडी उसके सामने ही पड़ी है। अब यहाँ पर डक उससे रीज़न पूछता है कि ऐसा तुमने क्या करा। तो यहाँ पर जो लीना है वो उसे बताती है कि डक मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया करता था, मुझे मारता पीटता था शराब के नशे में, तो मैंने एक दिन गुस्से में आके अपने सेल्फ डिफेंस में मैंने उसे मार दिया जिससे कि उसकी अभी मौत हो गई। अब हम लोग देखते हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं और सोचते हैं कि लाश को कहाँ पे ठिकाने लगाया जाए। तो हम देखते हैं कि डक यहाँ पर लाइट की लाश को एक यहाँ पे बोट पे यानी कि उसी की बोट पे जला देता है, उसे जला देता है जिससे कि वो पूरे एविडेंस खत्म हो जाते हैं। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि इनके केस को एविडेंस करने के लिए यहाँ पे एक नई पुलिस अफसर आई होती है जिसका नाम होता है प्रोफेसर किम। जो नई पुलिस ऑफिसर है वो इसलिए आई थी क्योंकि जो प्रीवियस पुलिस ऑफिसर थी उसने इस केस को शट कर दिया था क्योंकि उन्हें किसी के खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं मिला था। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में होते हैं। जो यहाँ पर प्रोफेसर किम भी है वो यहाँ पर एविडेंस लेने के घर पर आते हैं तो उसे पता पड़ता है कि यहाँ पर कांच टूटा पड़ा है जिसके अंदर कुछ ब्लड्स के सैंपल हैं। हमें यहाँ पर पता पड़ता है कि यहाँ पर जो डक है उसे लगने लगता है कि ये सब कहीं पुलिस को पता ना पड़ जाए कि मैंने ही वो कांच तोड़ा था और मेरे खिलाफ वो कुछ केस ना कर दे। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो लीना है वो डक को अपने बोट हाउस पर बुलाते हैं जहाँ पर इन दोनों का फिर से एक और बार मूड बन जाता है और ये दोनों फिर से एक और बार घपागप करते हैं। हे गाइस, वेट वेट वेट, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक दूसरा चैनल भी बनाया है जहाँ पर मैं कुछ पॉपुलर अनाइम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट अनाइम्स लिख दीजिए जिनकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर किम थी उन्हें यहाँ पर कुछ ब्लड्स के सैंपल मिले थे, कुछ फिंगरप्रिंट सैंपल्स मिले थे उस बोट पे। तो वो यहाँ पर उन्हें शक हो रहा था कि ये डक हैं, तो वो डक के घर पे आ जाती हैं उसके कुछ सैंपल्स लेने के लिए। हम लोग देखते हैं वो उसे डक को कार में बिठा लेती हैं, उसे इंटेरोगेट करने लगती हैं कि हमें पता है तुम नहीं कराया, पर डक इस बात को इनकार करता है कि ये सब मैंने नहीं करा। बेसिकली ये सब एक नेगेटिव इंटेरोगेशन थी ये पता लगाने के लिए कि उसकी मेंटेलिटी क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि जो डक है वो भी सब चीज़ से परेशान हो जाता है और इससे बात को अपने पेरेंट्स को बताता है जिससे कि वो परेशान हो गया था क्योंकि उसने ये सब कुछ भी नहीं करा था, वो सिर्फ यहाँ पर लीना की हेल्प करने के लिए गया था। अब हम लोग देखते हैं कि जो डक है वो यहाँ पर अपने आप को क्लीन चिट रखना चाहता था, तो वो यहाँ पर सबूत दिखाने के लिए प्रोफेसर किम के पास जा रहा था अपने फ़ोन को लेने के लिए जो कि उसने बोट पर छुपाया था। पर तब यहाँ पर लीना आ जाती है जो कि खुद ही अपने कपड़े फाड़ लेती है और पुलिस को कॉल कर देती है, चिल्लाने भी लगती है। तो पुलिस यहाँ पर लीना को अपने साथ ले जाने लगती है और साथ ही साथ पुलिस यहाँ पर डक
डक को भी पकड़ लेती है। पर हम लोग देखते हैं कि डक यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। जैसे ही पुलिस यहाँ पर लीना को लेकर जा रही थी तो डक भी यहाँ पर एक साइकिल उठाता है और उस पुलिस की कार का पीछा करने लगता है और उसके आगे जाके वहाँ पर खड़ा हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर उसकी कार थी वहीं पर हम लोग देखते हैं कि पुलिस आ जाती है और यहाँ पर जो डक था वो यहाँ पर जो लियोट की कार थी उसमें से अपना फ़ोन निकाल के यहाँ पर प्रोफेसर किम को सारे के सारे सबूत दिखा देता है। प्रोफेसर किम भी यहाँ पर दोस्तों लीना को पकड़ के ले जाती। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जब हम लोग देखते हैं पुलिस यहाँ पर लीना को पकड़ के लेकर जा रही तो हम देखते हैं इन दोनों के पैर पे ही सेम टू सेम निशान है, यानी कि टैटू है, जहाँ पर हमें पता पड़ता है कि लीना ने एक बार यहाँ पर डक को बताया था कि उसकी जो लवर है उसके पैर पे भी सेम टैटू है। तो हमें यहाँ पर पता पड़ता है कि ये दोनों लेस्बियन हैं और ये सब इन दोनों की पूरी चाल है एक डक को फंसाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लीना थी उसे यहाँ पर एक कुछ मनी मिलने वाली थी क्योंकि उसका जो हस्बैंड लायर था वो मरा था, तो वाइफ को कुछ मनी मिलती है, बेसिकली वो मनी इंश्योरेंस की मनी होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता पड़ता है कि लीना और प्रोफेसर किम इस मनी को रखने वाले थे और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं डक को यहाँ पे उस केस में फंसा कर। तो हम दोस्तों देखते हैं कि ये मूवी जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को मूवी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ज़रूर देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि हमें कुछ सपोर्ट मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।